So hello everyone, welcome back to another very amazing video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and today we have a very special guest on our channel. We do have Roshan Ara Sultana with us and she has scored an astonishing marks 670 in NEET 2021. So firstly, welcome to our channel Roshan Ara. Thank you sir. And many congratulations for achieving this great feat. Thank you sir. So firstly, I just want to ask you up ki what are the colleges that you are targeting since you have achieved a very good score. So aisa man mein kaun sa college hai jisme is bar admission lena hai? Sir, I am targeting Vardhaman Mahavir Medical College, Delhi. Okay, sounds good. And you are also from Delhi, so it will be, yes, sir. You know, very good chances are there that you'll get your dream medical college. So congratulations on that again. Thank you, sir. So हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कंटेंट के बारे में सिंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टारगेटेड बाय स्टूडेंट्स. काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग बुक्स को पढ़ना प्रेफर करते हैं. सो व्हाट यू रियली थिंक दैट इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू 50,000 डिफरेंट क्वेश्चंस इन नीट सिर्फ बायोलॉजी में 20,000 क्वेश्चंस अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री के या फिर कन्फाइंड रहे? नहीं सर, कन्फाइंड नीट के लिए तो बिल्कुल कन्फाइंड रहना है. एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जहां से आपको मिले वो करिए आप, बस वो काफी है. एंड कितना रिलायबल है, मतलब हर बार हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि द होल पेपर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन सब भी स्टूडेंट्स कोचिंग मटेरियल को टारगेट करते हैं. किस हद तक सही है उस जोन में जाना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पकड़ें और यू नो पढ़ना स्टार्ट करें? नहीं सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो काफी बाहर जाता है, उतना बाहर आता नहीं है. यू शुड टारगेट ओनली ऑन एनसीईआरटी, दैट्स इट. एंड अदर बुक्स लाइक एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप्स एंड सर योर बुक एनसीईआरटी गियर अप. अरे थैंक यू, इनडायरेक्ट प्रमोशन, बट ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा प्री प्लान नहीं था ना, आप बता दो एक बार लोगों को. तो इट इज वेरी गुड कि आपने मतलब कि एकदम कन्फाइंड स्टडी की. एंड आर यू सेटिस्फाइड विद योर स्कोर? काफी बार ऐसा होता है यार 680 आ जाते तो आई मस्ट हैव जंप्ड फ्रॉम बीएमएमसी टू एमएएमसी. यस सर, एक्चुअली मेरा दो क्वेश्चन मेरी रीडिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, तो हाँ थोड़ा वो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ. ऐसा कुछ किया जाए कि अपने आप को मेंटेन भी रखे बच्चा और रेगुलर पेस पे पढ़ाई भी चलती रहे. तो एक्चुअली जब भी मैं डिमोटिवेट हुई तो मेरे भाई ने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है, तो भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो पहली बात. और दूसरी बात, अगर आपको कभी भी लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अभी भी टाइम है, आप अभी भी कर सकते हैं. तो आप जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको फिर उसकी टॉपिक्स को लिखिए अलग से और से रिवाइज करते रहिए और उसके नोट्स फिर से अगर रिवाइज करने हो तो कर लीजिए, वरना अगर फिर से बनाने के लायक बनाना भी चाहिए तो आप बना सकते उस टॉपिक्स के. आपने कितनी बार रिवीजन किया टोटल, जैसे कि एनसीईआरटी रहती है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन थ्रू एनसीईआरटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे सुपरफिशियली? काफी बार जैसे रिवीजन होता है तो पेजेस तोड़ते हैं उसमें. 10 to 12, गुड नंबर, सीरियसली अ गुड नंबर. क्योंकि उसमें फिर ऐसा कितनी बार हुआ जेन्युइनली बताना ये बात, कि चार बार पांच बार एनसीईआरटी पढ़ी और छठी बार जब पढ़ी तो ऐसा लगा कि ये मुझे नहीं पता था. हां सर, काफी बार हुआ है आपकी वीडियोस देख के, जो मतलब लाइन बाय लाइन आपकी जो वीडियोस थी उसमें काफी कुछ ऐसा पता चला है कि हाँ कि मैंने नहीं पढ़ा था ये, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, फिर मैंने उसे हाईलाइट कर लिया था और फिर मैंने उस पे ध्यान दिया. ओके, मतलब एनसीईआरटी में जो ऐसा रहता है कि यूजुअली जितनी बार पढ़े कुछ ना कुछ नया अभी भी आने मिल जाता है. हां आता रहता है, नया निकल के आता है. राइट, बिल्कुल बिल्कुल. तो नितेश सर आप कुछ पूछिए प्लीज. हां रोशन, आप ये बताएंगे कि पूरे साल जैसे ऑनलाइन स्टडी अब स्टार्ट हो चुकी है तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, उसने एक बार यूट्यूब खोल दिया, शॉर्ट्स चलाए, उसने शॉर्ट्स चले जा रहे आधे घंटे से उसके, तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपने कैसे अवॉइड करे पूरे साल में? सर इन मामलों में आई प्रीफर ऐप. अगर आप ऐप में जाएंगे तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से मतलब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी. यूट्यूब से ज्यादा मैं ऐप पे प्रीफर करती हूं. डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके जैसे मोबाइल्स वगैरह? अगर हो तो मोबाइल्स वगैरह अपने पेरेंट्स के पास छोड़ो. जब आप फ्री हो, ब्रेक ले रहे हो, तब आप मम्मी पापा से मांगो, फिर देंगे और फिर वापस दे देना. ऐसे मम्मी पापा के पास भी रहेगा और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं फील होगी. फिक्स कर रखा है टाइम. काफी बार मतलब क्या रहता है कि हम लोग भी जब पढ़ाई, जैसा अभी मैं भी साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ, तो मोबाइल सर है ही नहीं इज एन ऑप्शन, तो पढ़ाई के लिए मैंने अलग से टैब ही लिया हुआ.
उसमें कुछ नहीं है, उसमें देयर इज नो सिम कार्ड, नो इंटरनेट, आराम से उसमें पढ़ाई का कंटेंट है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, कोई एप्लीकेशन भी एकदम सिंपल, तो सिर्फ उसी में ई बुक्स डाउनलोडेड है और सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट। हाँ वरना सर डिस्ट्रैक्शन से बहुत है, ऐप कोडा आपके टैबलेट में गेम है तो उनके हाथ निराशा ही लगती है, बस कुछ नहीं है मेरे टैबलेट के अंदर। राइट, तो इट इज क्वाइट गुड यार, मतलब बहुत यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर एंड यू आर लाइक वेरी क्लियर फ्रॉम योर ओपिनियन। कब पता लगा जिंदगी में कि डॉक्टर बनना है, मतलब किसी ने ऐसे धक्का मारा या खुद ही कि डॉक्टर बनना है? सर नहीं, वैसे मेरे भाई भी डॉक्टर है, वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं UCMS से। तो सर 10th से हाँ मैं समझ गई थी कि हाँ मुझे डॉक्टर की लाइन में ही जाना है, तो सर 10th से ही सोचा था मैंने। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, मुझे पर्सनली मैं बताऊं मेरा खुद का क्लियर नहीं था, मैंने सर ले रखी थी कंबाइंड मैं समझता था अपने आप को जीनियस बहुत बड़ा कि मैं मैथ भी लूंगा, मैं बायो भी लूंगा, बायो भी लेंगे। फिर मैंने 2 महीने में मैथ छोड़ी, फिर क्योंकि उस टाइम पे एक रियलाइजेशन हो कि इस चीज के लिए नहीं बने हैं, फिर मैथ छोड़ी तब बायो पकड़ी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर बायो में इसलिए जाते हैं क्योंकि मैथ्स नहीं करनी है। हाँ मेरे को सर चढ़ा दिया 10 CGPA ने, 10 आई तो लगा अपुनिज भगवान है, तो उस टाइम पे सोचे सब लेंगे जो जो बट रहा है सब लेंगे। तो टीचर्स ने बोला अरे तुम तो बॉर्न टैलेंट हो भाई, PCM भी लो, दोनों बनेंगे, बाद में पता लगा फिजिक्स और मैथ्स में से एक ही हो पाए, दोनों डूब जाते तो मैं तो बहुत बुरा फंसा था। तो आपका फिर मतलब कि सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई, मतलब जैसे काफी बच्चों को पता नहीं रहता कि नीट नाम का कोई एग्जाम है, कोई चिड़िया है जिसके थ्रू एडमिशन होते हैं, तो सर सीरियस प्रिपरेशन तो मेरी 12th से ही स्टार्ट हुई, 12th से। ओके 11th मेरे इतना अच्छा नहीं रहा था, 12th से ही स्टार्ट की मैंने 11th। वैसे ऑन एन ऑनेस्ट नोट मुझे नहीं लगता किसी का अच्छा रहता होगा। सर हो जाता है बिल्कुल, बहुत जनरल ट्रेंड है क्योंकि जैसे हम लोग भी गए थे 10th पास करके, तो उड़ता उड़ता बच्चा जाता है उसमें और फिर धपाक से गिरता है अपने लॉज ऑफ मोशन के बाद, फिर थोड़ा समझ में आता है अरे भाई कि रियल लेवल क्या है, किस लेवल का पढ़ना है। राइट राइट, और ये ट्रेंड भी है सर, 9th का सिलेबस हार्ड है 10th के कंपैरिजन में और 11th का जनरली हार्ड है 10th के कंपैरिजन में। यस यस, तो ऐसा रहता है कि ड्रॉप आते हैं फिर 12th में उठते हैं। तो आप मतलब ऐसे बचपन से कैसे थे पढ़ाई में, अच्छे थे जैसे भैया इज आल्सो फ्रॉम UCMS, तो मतलब घर में वो ट्रेंड रहा पढ़ाई वाला स्टार्टिंग? यस यस हमेशा। तो ऐसा अभी कोई रिश्तेदार ऐसा बोलता नहीं है कि UPSC भी ट्राई करो? सही है, बोलेंगे अभी रुको जरा सबर करो, ऐसा भी सुनने मिलेगा बहुत ज्यादा। इफ यू आर आल्सो गोइंग टू शूट अप इन MBBS, तो उसके बाद ये भी रहता है कि UPSC को एक बार जरूर एक ट्राई देना, ऐसा बोलते हैं मतलब। बट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब हम लोगों की, हम दो लोग की तारीफ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो सर मैंने पूरी बायो अगर कहूँ तो सिर्फ विपिन शर्मा सर से ही है, और उसके शक्तिमान सीरीज पिछली बार भी 330 मेरे सेकंड अटेम्प्ट था ना ये, तो पिछली बार जो 330 आए हैं वो भी विपिन शर्मा सर की वजह से ही आए हैं शक्तिमान सीरीज की वजह से। एंड इस बार भी जो अटेम्प्ट मैंने दिया है उसमें मैंने शक्तिमान सीरीज, बायो वाली सीरीज और 10,000 क्वेश्चन सीरीज ही किए थे और NCERT पढ़ी थी, और इससे ही मेरे 355 आउट ऑफ 360 आए हैं बायोलॉजी। अरे वाह, दैट इज वेरी ग्रेट। तो और बाकी आपके कितने मार्क्स रहे इसमें? बाकी फिजिक्स में 155 एंड केमिस्ट्री में 160। अरे ब्रिलियंट, ऑसम यार, मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो अब और बता दीजिए कुछ बच्चों को, कुछ ऐसी जनरल टिप, कुछ फाइनल मैसेज। हां फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा फाइनल मैसेज बस इतना ही बोलूंगी कि सर अगर किसी के 600 आ गए हैं मार्क्स और वो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसे ये समझ के नहीं करना चाहिए कि उसका 600 आ चुके हैं तो आगे के लिए प्रिपेयर करना है, उसे ये समझ के करना है कि उसे 0 से 720 जाना। तो सर सब कुछ 0 से ही, चाहे आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें आप 1.5x में 2x में देखें कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स सारे कंसेप्ट एक एक क्लियर होने चाहिए, तो आपको फिर से 0 से ही 720 की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप ड्रॉप भी ले रहे हो फिर भी। बिल्कुल, एक ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं PYQ में से, हैव यू नोटिस दिस ट्रेंड? तो PYQ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सर। एग्जैक्टली रिपीट ही नहीं होते, बट हां उसके टाइप बिल्कुल सर रिपीट होते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में यू विल से दिस की PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट? यस सर। और बायोलॉजी में आपने कितने PYQs किए थे? जैसे स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे पूछते हैं, तो आई बेसिकली सजेस्ट कि 12-13 साल के कर लो, उससे पहले के उससे पीछे वाले आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। हां सर,
तो आपने वो छुए 12-13 से पहले वाले या फिर नहीं छुए आपने? नहीं सर, वो नहीं किए थे। मतलब यू आर वेरी यू नो कन्फाइंड इन योर प्रिपरेशन, एकदम जो पढ़ना है वही पढ़ना है, बहुत इधर उधर की चीजों पे हाथ उधर नहीं जाना। That is very good, very बहुत important है। जैसे काफी students होते हैं सर, मतलब कि एक subject की 6 books होती हैं उनके पास। RLS अलग है, NCERT fingertips अलग है, NCERT अलग है, modules अलग है, और वो सोचते हैं हम सब लोग सब कुछ सॉल्व करें, एंड एक चैप्टर को करने में 10x टाइम लगता है। फिर एक चैप्टर पढ़ा, फिर 5 किताबों के क्वेश्चन बनाए, तो rather than that they must have read 5 different chapters उसी टाइम जोन में। हाँ, तो एक ही बुक करिए, उसी को ही बड़ी मल्टीपल बार करिए। आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था, कब ऐसा लगा कि अब खत्म, अब रिवीजन करेंगे बैठ के? सर अक्टूबर, मतलब नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर्स वगैरह देखना मेरा अक्टूबर के एंड से स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल में जाके खत्म हो गए थे नोट्स वगैरह। उसके बाद सिर्फ अप्रैल से फिर मैंने रिवीजन और क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए। बहुत सही, बट स्टिल यू गॉट अ वेरी गुड टाइम। अक्टूबर टू अप्रैल वो उसमें थोड़ा फास्ट पेस पे चला आपने 7 महीने के अंदर, लेकिन बाद में इट्स वेरी गुड यार, मतलब एंड में 3-4 महीने रिवीजन के लिए तो बहुत सही थे। यस सर, उसमें मॉक टेस्ट दिए होंगे अपने रिविजन्स में उस टाइम पे। सर, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, हर तरीके के सर, छोटी छोटी सी छोटी गलतियों की अलग से मिस्टेक्स कॉपी बनाई थी, उसे रिवाइज करती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करना। बच्चे मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उसको फिर उसको बैठ के एनालाइज करो कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमसे बार बार गलत हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। Exactly. काफी बच्चे पढ़ के सर बहुत अच्छा जाते हैं, एंड में OMR के गोले ही गलत भर देते हैं। तो उसमें क्या मतलब, वो आपके हिसाब से क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव था? सर मेरे हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, सर ठीक था। मतलब मेरा टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा जस्ट एक गोला लास्ट में खत्म हुआ और तभी टाइम खत्म, बिल्कुल ऐसे वाली। लेकिन ये था कि पेपर इतना इजी था, मुझे नहीं लगता था कि इसमें ऑप्शन की जरूरत भी थी, तो स्टार्टिंग के 90 ही हो जाते, जैसे बायोलॉजी में तो स्टार्टिंग के 90 हो जाते। यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो आई थिंक इट वाज गुड इनफ कि हां, खेलने का एक अच्छा मौका मिला, दैट्स व्हाई 720 आया। अगर आई थिंक सर लिमिटेड क्वेश्चंस होते 180, तो इस बार 720 शायद कम बच्चों के आते। हां, कम बच्चों के आते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑप्शन का ये फायदा जरूर उठाया गया इस बार, तो लास्ट टाइम से बल्कि ज्यादा ही बच्चों के आगे 720। और केमिस्ट्री में तो सर 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल कंट्रोवर्शियल थे, उसमें मतलब आंसर ही जैसे 3.3 आ रहा है, तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 3 करके रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला और ये सब का। आई हैव नो आईडिया, बट स्टिल नहीं, मतलब इस बार का पेपर वाज गुड काइंड ऑफ, पिछली बार से लेवल ठीक था, बट ये था कि ऑप्शंस नहीं होते तो शायद एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कट ऑफ वुड राइज, बट अभी देखते हैं मतलब क्या रहता है उस हिसाब से। और इस बार थोड़ा वो सिंगल सिंगल रैंक्स भी नहीं दिए, तो अभी उसका काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी एक ट्रायल है, उसका भी देखने को मिलेगा हमें कि क्या रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी बेनिफिशियल, बट लेट्स सी हाउ वर्स द कॉन्सिक्वेंसेज आर। Right. So best of luck for your counseling यार, बहुत बढ़िया तरीके से, will surely catch you up someday in BMMC, काफी सारे दोस्त, काफी सारे students हैं वहाँ पे, Delhi अब तो मिलना जुलना होता रहेगा हमारा, so I'll give you a party then, एक party हमारे तरफ से आपकी pending रही, वो देंगे आपको MBBS first year में। चलो यार, that's very good, thank all you so the very much best, for coming to this channel best. And thank you, sir. Congratulations again, best of luck, मजे मारिए अपने college life में। बिल्कुल, अब तो एक साल तो एंजॉयमेंट का है पूरा पूरा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, अब तो वो आएगा नहीं ना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह कुछ नहीं आएगा अभी, तो मस्त एक साल। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप सर, विपिन सर? हाँ, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ओके सर, फिर वो कहाँ, मतलब कैसे, यूट्यूब पे? वो कुछ यूट्यूब पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी तो मैं प्रोफेशनली ऐप पे पढ़ाता हूँ, बट आई एम थिंकिंग इस बार मैं थोड़ा कुछ फ्री लेके आऊँ अच्छे से। ओके सर, तो इस बार यूट्यूब पे बस आप लोगों के बैच से शुरुआत करेंगे। ओके सर, जरूर करिएगा सर, अभी बहुत जल्दी पाला पड़ेगा हमारा 1-2 महीने में। ठीक है सर, चलिए देन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय।